हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपके लिए बॉक्स लेके आऊँ जो NXT डिजिटल का है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, NXT डिजिटल, इसका मॉडल नंबर CSA045120। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा वीडियो का प्रॉब्लम आता है, मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ वीडियो के लिए। जैसे कि अभी देखिए, कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये हमारा देखिए रेड वाला जो वीडियो होता है, ये ग्रीन है ऑडियो के लिए और ब्लू ऑडियो के लिए। और कुछ टाइम बाद ये चला जाएगा, जैसे देखिए अभी ऑटोमेटिक चला गया, देखिए आया ऑटोमेटिक, देखिए जा रहा है दोस्तों। ये कंडीशन में अभी हम दो तरीके से आपको सिखाएंगे, जैसे कि दोस्तों हम इसे आज दो तरीके से आपको रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। एक फ्री में भी आप कर सकते हैं और एक जो होता है आप 5 रुपया लगा के भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपको 5 रुपया लगाना है या फ्री में करना है। फ्री में करेंगे तो थोड़ा रिस्क होता है दोस्तों। रिस्क ऐसा रहेगा, आगे चल के ये वीडियो का कभी प्रॉब्लम आएगा तो रिपेयर नहीं होएगा। बट जो 5 रुपया आप लगाएंगे, एक कैपेसिटर नया लगाएंगे, तो आपका 5 रुपये की वजह से आपका फिर से 5 रुपये कभी ऐसा हुआ आए भविष्य में वीडियो का प्रॉब्लम, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा इसके वोल्टेज के बारे में। इसमें 2-3 मॉडल बोर्ड आते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब ये दूसरा मॉडल बोर्ड है, बस नंबर सेम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा पहला हो गया, ठीक है। इसमें दूसरा मॉडल रहता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा 1.8 है, ये रेगुलेटर में 1.8 है। और यहाँ पे देखिए एक IC लगाया गया है जो हमारा जो सबसे पहला 5 वोल्ट के लिए रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हमारा देखिए एक IC लगाया गया है यहाँ पे जो हमें कन्वर्ट करके देता है 1.1 के लिए, ठीक है। यहाँ होने के बाद से यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर का जो हमें 3.3 के लिए दोस्तों, बस इतने ही वोल्टेज रहते हैं दोस्तों। और जो अभी हमारा प्रॉब्लम हुआ है हमारा एक कैपेसिटर की वजह से, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अभी देखिए कोई भी वीडियो नहीं आ रहा क्लियर, जैसे कि अभी आया है ये चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे थोड़ा क्लियर की, अभी जैसे कि देखिए मैंने अभी तक नहीं, और अभी मैंने किया तो देखिए एक बार ब्लिंकिंग हुआ। तो ये हमारा कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है, ये कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। पहले सबसे पहले ये कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर को हमने यहाँ से निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से कैपेसिटर को निकाल दिया है। आपको मैंने फ्री में जो बताया था वो तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए कैपेसिटर निकाल दिया हूँ मैं, हमें अभी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए ध्यान से आप डिस्प्ले पे, हम आपको दिखाते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। बट अभी ये दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट किया तो हमारा वीडियो आ गया दोस्तों। तो ये हिसाब से देखिए, यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया, ऐसे शॉर्ट करेंगे तो हमारा तो भी वीडियो आएगा, और हम कैपेसिटर लगाएंगे तो भी आएगा। तो बस इसमें दो ही ऑप्शन रहता है, एक फ्री में हो गया और एक 5 रुपये आपका लग के हो गया। और आप 5 रुपये लगा के ही दोस्तों कीजिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आगे भविष्य में आपका सेटअप बॉक्स खराब नहीं होएगा जल्दी और रिपेयर भी हो जाएगा। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं आगे, काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने एक कैपेसिटर ले लिया है, छोटा कोई भी कैपेसिटर हो ले लेने का। और यहाँ पे हम फिर से इसे लगा के सोल्डरिंग करेंगे। एक ही कैपेसिटर लगाया और हमारे वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी चेक करेंगे दोस्तों, आप पहले आपको ऑडियो चेक करके, ऑडियो तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑडियो का कॉपीराइट हो जाता है, इसके लिए वीडियो हम आपको दिखाएंगे जरूर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, और शेयर भी करते रहेंगे दोस्तों, तो जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आएंगे। दिखा दे दोस्तों आपको, ये इसका जैसे कि रिचार्ज नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों हमने आपको फाइनल दिखाया कि वीडियो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।
दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।